नमस्कार, आप ये सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं उत्तराखंड के जिले पौड़ी गढ़वाल के नीलकंठ मंदिर से, जहां पर शुभारंभ होता है इन प्यारी प्यारी घंटियों को बजाकर, और ये सुरगम स्थल जाता है श्री नीलकंठ महादेव की। और ये रास्ता बेहद ही कटीला है, बेहद ही दुर्गम है, लेकिन फिर भी यहाँ पर श्रद्धालु और यात्रीगण अपने अपने सामान को लेकर भगवान शिव शंकर के आगे अपने नतमस्तक होने के लिए आते हैं। और नतमस्तक होने के साथ साथ यहाँ की मान्यता भी बहुत निराली है। बताया ये जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान जब विष निकला था और अमृत निकला था, और अमृत जो है दैत्य लोग लेकर गए थे और जो विष था वो बच गया था, तो उस पर घमासान चला था कि आखिर ये विष कौन ग्रहण करेगा। अगर ये विष कोई भी ग्रहण करता तो कहीं ना कहीं उसको हानि पहुंच सकती। तो महादेव, देवों के देव महादेव ने ये विष ग्रहण किया और अपने कंठ पर उसे सुसज्जित किया, जिसके बाद वो नीलकंठ महादेव कहलाए। और ये सुरगम स्थल, ये रास्ता जो है नीलकंठ महादेव की ओर चलता है, और कहीं ना कहीं आप सभी को दर्शन करने का सौभाग्य जो है हम दिखाने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि आज उत्तराखंड का पौड़ी जिला जो है भगवान शिव शंकर के गूंजे जयकारों से गूंज चुका है, और श्रद्धालु लोग हैं जो अपने अपने नतमस्तक होते हुए नजर आ रहे हैं। और आप सभी को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि सोमवार का दिन बेहद ही अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, और कहीं श्रद्धालु जो हैं यहाँ पर जो है नहान भी करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि शुभ कार्य करने से पहले नहाने का जो है सभी से अनुरोध, जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख रहा है, शेयर जरूर खींचे। जो है तमाम लोग नहाते हुए, और ये चोटी आप समीप से देख सकते हैं, ये वही देवोदे के देव महादेव के नीलकंठ मंदिर की चोटी है, जहाँ पर जो है शिव शंकर, शिव शंभू ने जो है अपने कंठ में जो है कि अपना जो कंठ में है विष ग्रहण किया था। विष ग्रहण करने के बाद वो देवादि देव महादेव भगवान शिव शंभू कहलाए थे। तो जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आपको इस तरह से सुजद जो है थाल परोसे जाते हैं, जो कि आप शिव शंकर, शिव शंभू को अर्पित कर मनोवांछित फल पाने का सोचते हैं, और भगवान शिव शंकर, शिव शंभू आपके घरों में आने का प्रयास करते हैं। जो भी इस खबर को, इस वीडियो को देख रहा है, शेयर जरूर कीजिएगा। इस समय मौजूद हैं हरिद्वार के जिले पौड़ी गढ़वाल के नीलकंठ मंदिर की ओर अक्सर होते हुए तमाम श्रद्धालु हैं यहाँ पर, जो है अपनी अपनी श्रद्धा भाव से अपने अपने मनोकामना लेकर भगवान शिव शंभू के सामने अपने जो है प्रसाद को अर्पित करते हैं, और भिन्न भिन्न प्रकारों की सामग्री जो है, कहते हैं कि बेलपत्र भगवान शिव को अति प्रिय होता है, चाहे वो गंगा जल हो, चाहे वो आपका घी हो, चाहे वो आपका धतूरा हो, इस प्रकार के तमाम जो फल है भगवान शिव को अति प्रिय होते हैं। और अगर कोई भी व्यक्ति इन फलों को भगवान शिव के लिंग पर अर्पित करता है तो उसकी भी मनोकामना पूर्ण होती है। और तमाम जो है शॉप्स सज चुकी हैं, और शॉप्स के साथ साथ यहाँ पर तमाम प्रकार की जो चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर मिलती हुई नजर आती है। जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख पा रहा है, वीडियो को शेयर जरूर करते रहेगा। इस समय मौजूद हैं जो हैं हरिद्वार के जिले पौड़ी गढ़वाल के तमाम नीलकंठ महादेव के मंदिर का दृश्य देख रहे हैं। बेहद ही मनमोहक और मोहित करने वाला ये दृश्य है, जहाँ पर जो है यहाँ पर निर्मल जल से जो है छींटे मारती हुई तमाम जो है आपको महिलाएं, पुरुष और बच्चे मिलेंगे। जो भी इस खबर को, इस वीडियो को देख रहा है, शेयर कर, तमाम प्रकार की सामग्री लेकर जो है भक्तजन यहाँ से जाने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पर जो है मंदिर के मेन मुख्य द्वार, यानी कि जो द्वार है जिससे भगवान शिव जी के दर्शन होते हैं, उसकी ओर अक्सर होते हैं, और अक्सर होने के साथ साथ भगवान के जो है अर्पण होने के लिए मन्नत मांगते हैं। तो आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये वो मुख्य द्वार है जहाँ से मंदिर के अंदर प्रवेश किया जाता है, और प्रवेश करने के साथ तमाम मनोकामनाएं पूर्ण की जाती है। तमाम जो लोग हैं, जो भक्तजन हैं, यहाँ पर इकट्ठे होते हुए नजर आ रहे हैं। जो भी इस खबर वीडियो को देख रहा है, शेयर जरूर करते रहिएगा। तमाम देखते हैं कि जय शिव को ओंकारा, जय शिव ओंकारा, हर हर भोले नमः शिवाय के जयकारों से गूंजता नीलकंठ महादेव का मंदिर, और यहाँ पे आए हुए तमाम श्रद्धालु जो हैं इस गर्भगृह के दर्शन करते हुए नजर आते हैं, लिंग के दर्शन गर्भगृह की ओर अक्सर होते हुए तमाम श्रद्धालु हैं यहाँ पर जो हैं आते हुए नजर आ रहे हैं। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, शेयर जरूर कीजिएगा। माध्यम बने हुए आप सभी को शिव शंकर, शंभू
दर्शन कराने के लिए। और ये जो है देखिए, इस तरीके से तमाम जो लोग हैं नंदी के पास अपनी जो है तमाम जो मनोकामना मांगते हैं, और तमाम जो लोग हैं यहाँ पर बने हुए, जो भी इस खबर को देख रहा है शेयर, मुख्यमंत्री का गर्भगृह है जहाँ पर तमाम जो लोग हैं, शिव शंकर शंभू के जयकारों से गूंजता हुआ वातावरण नजर आता है। वही मुख्य मंदिर का द्वार है जहां पर आपको दर्शन करवाने का प्रयास कर रहे थे, और आप देखिए किस तरीके से जो लोग हैं यहां पर आते हुए नजर आते हैं और श्री नीलकंठ विजयते के नारे लगाते हुए तमाम जो भक्तजन हैं यहां पर भाव विभोर होते हुए नजर आ रहे हैं। जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख पा रहा है, शेयर जरूर करते रहिएगा। आप सभी को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि तमाम जो श्रद्धालु जन हैं दर्शन करने के बाद यहाँ से जो है अपने घरों की ओर प्रस्थान करते हैं और बाबा को दिल में बस आते हैं। खैर, मंदिर में जो है काफी भीड़ है और भीड़ के चलते जो है कपाट आज खुले नहीं है, और खुलने के साथ साथ जो है मुख्य मंदिर के कपाट थोड़े समय के लिए खोले जाते हैं, लेकिन भगवान को अंतराल के समय भोग भी लगाया जाता है। तो तमाम जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख पा रहे हैं, शेयर जरूर करते रहिएगा। छटा बिखेरती हुई नजर आ रही है। जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख पा रहे हैं, शेयर जरूर करते रहिएगा। इस समय मौजूद है उत्तराखंड के जिले पौड़ी गढ़वाल के नीलकंठ महादेव मंदिर की, और जहाँ पर शिव पंचायती अखाड़ा महानिर्वाण रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको संभाला जाता है। तमाम लोगों से अनुरोध है, जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख रहा है, शेयर जरूर करिएगा। अमर सम को दे दीजिए इजाजत। तमाम बड़ी खबरों के लिए बनी रहे अभी 24 के साथ। नमस्कार। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।